कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना हो मगर तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, आज बात करेंगे परमवीर चक्र के बारे में। अभी तक टोटल 21 परमवीर चक्र जो सेना में दिए जा चुके हैं। आज ऐसे ही एक भारतीय सेना के ऑफिसर की बात करेंगे, मेजर सोमनाथ शर्मा, सबसे पहला परमवीर चक्र इनको दिया गया सन 1947, 3 नवंबर 1947 को इन्हें परमवीर चक्र दिया गया। जन्म 31 जनवरी 1923 कांगड़ा, जो उस समय पंजाब में हुआ करता था, और इस समय हिमाचल में है। ब्रिटिश टाइम पे जो है पंजाब में है, अभी हिमाचल प्रदेश में है। फादर श्री अमरनाथ शर्मा का वो बेटा है जिसने पूरे देश को गौरवान्वित किया था। आज एक ऐसे सिपाही के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। स्टडी इनकी जो है शेरवुड कॉलेज, जो कि नैनीताल में है, वहाँ से इन्होंने पढ़ा। उसके बाद उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री अकेडमी को ज्वाइन किया, जो कि बहुत टफ होता था उस टाइम पर। इन्होंने मेहनत की और वहाँ पर 22 फरवरी 1942 उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया रॉयल मिलिट्री अकेडमी से। तो उसके बाद उन्होंने 8th बटालियन, जो 19 हैदराबाद रेजिमेंट थी उस टाइम पे, उसे ज्वाइन किया। और आफ्टर रिपब्लिक जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद जो 19 हैदराबाद रेजिमेंट थी उसको कमाऊ रेजिमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद ये जो है 4th बटालियन ऑफ कमाऊ रेजिमेंट में, जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान, जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर वो प्रिंसिपल स्टेट थी, वो किसी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसी के साथ भी हो उसका विलय नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान ने जो है कश्मीर वैली को अपने कब्जे में करने के लिए वहाँ पे अटैक कर दिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे कि जो हमारा कश्मीर एयरपोर्ट था श्रीनगर में, जिसको भी ओल्ड एयरफील्ड बोलते हैं, उसको कैप्चर करने के लिए वो लोग आए थे, पाकिस्तान की तरफ से लोग आए थे। मेन मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो हैं, इनकी टीम वहाँ गई, इनकी जो पेट्रोलिंग टीम थी, तो इन्होंने वहाँ पर इनके साथ लड़ाई हुई, वहाँ जंग हुई, एक बैटल हुआ छोटा सा। तो उस बैटल में उन्होंने उस एयरपोर्ट को कैप्चर नहीं होने दिया पाकिस्तान की तरफ से, और उसे अपने हासिल कर उन्होंने हासिल कर लिया। और वहीं पर इनका शहादत भी हुआ था 3 नवंबर 1947, इनका जो वहाँ पर शहादत हो गया था हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा साहब। 1947 को इनका शहादत हुआ मेजर सोमनाथ शर्मा साहब का, और 21 जून 1950 को इनको परमवीर चक्र से सम्मानित कर दिया। लेगेसी जो इनके स्मारक बने हुए हैं दो जगह पर, एक का नाम है परम युद्ध स्थल और सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस, ये दोनों नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उनकी पूरी हिस्ट्री वहाँ पे मैच। एक ड्रामे में डिस्प्ले हुआ था, फर्स्ट एपिसोड इनका जो टीवी सीरियल आया था 1988 में, जिसका पार्ट प्ले किया था फारूक शेख, जो कि इंडियन सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे। और इसको डायरेक्शन जो किया था चेतन आनंद साहब, जो हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर हुआ करते थे उस टाइम पर। प्लीज़ गूगल कीजिए, वहाँ पर इनके बारे में पूरी बुकिंग पूरी डिटेल मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।